नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल MS Tech Talks। आज हम बात करने वाले हैं 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में कि हम दो तरीकों की सिक्योरिटी हमारे अकाउंट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक आपका पासवर्ड हो गया, वो प्राइमरी सिक्योरिटी है, लेकिन जब आप पासवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद में लॉगिन के दूसरे तरीके की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी को कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मान लीजिए एक तरीका आपने चूज़ किया हुआ है पासवर्ड का और दूसरा तरीका आपने चूज कर लिया कि आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आना चाहिए तभी कोई लॉगिन कर सकता है आपके अकाउंट के अंदर। आजकल सभी प्लेटफॉर्म आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देते हैं, सिक्योरिटी की टैब में जा करके और उसको आप ऑन कर सकते हैं। मैं आज आपको गूगल में यानी हमारे मोबाइल के अंदर जिस भी गूगल अकाउंट को हम लोग काम में लेते हैं, जो ईमेल आईडी हम काम में लेते हैं, उसी के अंदर हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार हमारी फ़ोटोज़ भी अपलोड हो जाती है वहाँ पर। तो आज हम जानेंगे कि उस गूगल के अकाउंट में और सिक्योरिटी के ऑप्शन में जा करके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से ऑन किया जा सकता है ताकि हम अपने अकाउंट को पूर्ण रूप से सिक्योर कर सकें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में दो तरीकों के द्वारा लॉगिन किया जाता है। प्राइमरी तरीका जो होता है वो आपका पासवर्ड ही रहेगा। जैसे ही आपने पासवर्ड एंटर किया या किसी और ने भी मान लीजिए गलती से आपका पासवर्ड लीक हो गया या किसी ने चुरा लिया और वो आपका पासवर्ड लगा करके लॉगिन करता है और आपने यदि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है तो जो भी आपके ऑथेंटिकेशन का तरीका है, हो सकता है आपने OTP के रूप में वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया हो कि आपके मोबाइल के ऊपर एक पासवर्ड आना चाहिए मैसेज के थ्रू और उस पासवर्ड को लगा करके ही आप उस अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, या हो सकता है आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर रहे हैं या किसी और तरह के ऑथेंटिकेटर ऐप को आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपने कोई नोटिफिकेशन का सिस्टम अपने मोबाइल के ऊपर ऑन किया हुआ है कि जैसे ही कोई आपका पासवर्ड लगा करके लॉगिन करना चाहेगा आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा और वहाँ पर यदि आप यस पे क्लिक करेंगे तो ही जा करके और उस अकाउंट के अंदर लॉगिन किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ये काफ़ी सिक्योर होता है। 100% सिक्योर तो हम नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी सिक्योर होता है। आसानी से कोई भी अटैकर या हैकर है इसको हैक नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो गूगल अकाउंट है वहाँ आपके मोबाइल के अंदर आपके गूगल अकाउंट में जाकर के किस तरह से इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को काम में लिया जाता है। आप चाहें तो फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, चाहे टिकटॉक यूज़ करते हैं, सभी जगह जाकर के सेटिंग्स में सिक्योरिटी की टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होगा वहाँ वैसा ही ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो इससे पहले कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पासवर्ड भी, जो प्राइमरी पासवर्ड यूज़ करते हैं, वो भी थोड़ा सा सिक्योर यूज़ किया कीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर मत यूज़ कीजिए या आप अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ है उसको यूज़ मत कीजिए और हमेशा अल्फ़ा न्यूमरिक पासवर्ड है उसको काम में लीजिए। यानी उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। चाहे वो हैश के रूप में आप काम में लें, चाहे वो आप @ का जो साइन होता है वो काम में लें, या कोई भी आप स्पेशल करेक्टर होता है उसको काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिक्योर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं उनमें कुछ अक्षर हैं उनको कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं और कुछ अक्षर हैं वो स्मॉल लेटर्स के रूप में आप लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड होगा बजाय कि एक सिंपल पासवर्ड लिखने के। तो आइए देखते हैं किस तरीके से और ये ऑप्शन है जो ऑन किया जाता है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स पर टैप करें। ये सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है सामने, हर मोबाइल में हो सकता है अलग अलग फोल्डर में या अलग अलग जगह पर आपको दिखाई दे। सेटिंग्स पर टैप करें, सभी मोबाइल्स के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आपको अकाउंट्स, जैसे मेरे मोबाइल में अकाउंट्स एंड बैकअप दिया हुआ है, हो सकता है किसी के मोबाइल में केवल अकाउंट्स दिया हुआ हो, आपको इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको केवल अकाउंट्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपकी मान लीजिए कि आपने हो सकता है कई तरह की ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर कर रखी हो, लेकिन आपकी जो मेन ईमेल आईडी है जो आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में लॉगिन करने के लिए आप काम में लेते हैं, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप टैप कीजिए और इसमें आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिलेगा गूगल अकाउंट इन्फो सिक्योरिटी एंड पर्सनलाइजेशन। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करते हैं एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और इस विंडो के अंदर आप आगे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में डेटा एंड पर्सनलाइजेशन है और उसके बाद में सिक्योरिटी टैब के ऊपर आप आ जाइए।
जैसे ही आप सिक्योरिटी टैब के ऊपर आते हैं तो यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करने पर पहले पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद में लिखा हुआ है यूज योर फोन टू साइन इन, और दूसरा लिखा हुआ है टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप इन दोनों में से कोई सा भी फीचर ऑन कर सकते हैं, यूज योर फोन टू साइन इन और टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन को यदि आप ऑन करेंगे तो इसमें आपको मोबाइल का ऑप्शन भी मिलेगा, प्लस आपको दूसरे तरीके हैं वेरिफिकेशन के वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर हम टैप करते हैं। अभी इसमें नीचे की तरफ आप जैसे स्क्रॉल करेंगे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ अपना पासवर्ड लगा करके, और ये हमने पासवर्ड लगा दिया और हम इसमें लॉगिन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करने के लिए हमें ऑप्शन दे रहा है कि ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है। यदि मैंने इस पर क्लिक किया ट्राई इट नाउ पे, तो मेरे मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही मैं इसको यस करता हूँ, उसके बाद में मेरा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर शो होगा, और यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, टेक्स्ट मैसेज का और फ़ोन कॉल का। जैसे ही मैंने टेक्स्ट मैसेज क्लिक किया और सेंड पे क्लिक किया तो एक मैसेज मेरे पास में आएगा जिसमें कोड आता है। जैसे ही मैं कोड लगा करके और नेक्स्ट करता हूँ, मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा टर्न ऑन, तो मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया। अभी यहाँ पर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन होता है वो ऑन हो गया। अभी मेरे मोबाइल के ऊपर हमेशा नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं कहीं भी किसी भी कंप्यूटर के ऊपर या किसी भी अदर मोबाइल में जब लॉगिन करता हूँ मेरी ईमेल आईडी में या मेरे अकाउंट में, तो यहाँ वहाँ पर पासवर्ड लगाने के बाद में हमेशा मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं यस करूँगा तभी मैं उस दूसरे कंप्यूटर के अंदर लॉगिन कर पाऊँगा, अदरवाइज मैं लॉगिन नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर दो डिवाइस दिखा रहा है, एक मेरा प्राइमरी डिवाइस दिखा रहा है और दूसरा ये टैब का डिवाइस दिखा रहा है जहाँ पर मैंने अपनी आईडी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर की हुई है। यदि आपको लगता है कि आपके डिवाइस के अलावा दूसरा डिवाइस दिखा रहा है तो उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है, ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जो भी अकाउंट आप काम में लेते हैं सभी जगह आप ऑन करके रखिए, तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी है वो ज़्यादा मजबूत होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।